go, go mad on them. और पहली चीज, अब जब भी सोलो सपोर्ट करते हैं ना, आपको ध्यान देना आप कवर में हो हर टाइम, क्योंकि यू हैव नो वन टू कवर योर बैक या फिर एंगल्स. आपका कोई भी दूसरा एंगल, आपका पीछे लेफ्ट राइट देखने वाला कोई नहीं है, आप अकेले हो. तो आप ये मेक श्योर करो कि हर टाइम आप किसी को मारते हो या फिनिश करते हो, आप कोई एक ऑब्जेक्ट के पीछे कवर लेके हो. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक स्लैब है, मेरे पास एक स्लैब है कवर लेने के लिए. अभी देखो बंदे ने मुझे एस्टोल के मारी, पर मेरे पास स्लैब से तो मैं प्रोन हो गया और वो ओपन में रह गया, तो वहाँ पे हमें एडवांटेज मिल जाता है. सोलो वर्सेस स्क्वाड इज द बेस्ट वे टू ट्रेन योर एबिलिटी फॉर एम ड्यूल्स. अभी पेकाडो क्लियर करना है, मेरी हेल्थ कम है, एमो कम है, अब मुझे एक बॉट की आवाज़ आती है. बॉट की आई डोंट नो, शायद एक बॉट था. तो जितना आप एमो कंजर्व करोगे उतना फ़ायदा, बिकॉज सोलो वी स्क्वाड में आपके पास एमो होना बहुत ज़रूरी है, आपके टीममेट्स नहीं है. अभी यहाँ पे एक और बॉट आ रहा है, यहाँ पे तो करना पड़ा, नहीं तो हेल्थ कम थी, बॉट मार लिया था. अब एमो कंजर्व करने के लिए मैं उसको पंच हिम आउट टू डेथ. समझ ही सकते भाई एमो कितनी ज़रूरी है इधर. अब मेरे शॉट्स आ रहे हैं. अब पर एक चीज़ याद है कि आप सोलो वर्सेस स्क्वाड में कभी भी किसी स्क्वाड को एंगेज करते हो, आपको याद रखना है कि अभी आपको पता होना चाहिए बंदे उसके किधर हैं. आप एक बंदे को नॉक करोगे, दूसरे को नॉक करोगे, तीसरा आपका ट्रेड ले लेगा, ये होता टीम वर्क. बट आप सोलो हो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको मेक श्योर करना है कि हाँ मैं इस एंगल पे इस बंदे को मार रहा हूँ, तो दूसरा एंगल कौन होल्ड कर रहा है, उसको मुझे क्रॉसर किधर लेना तुरंत. तो वो चीज़ आप अभी आगे धीरे धीरे देखोगे. यहाँ पे मेरे पास आ चुका है भाई M4 उजी, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस फॉर क्लोज कॉम्बैट्स. सोलो भी स्क्वाड है, लॉन्ग रेंज फाइट लेनी है भैया, तब तो बोल्ट एक्शन ज़रूरी है. बसंत मच चुकी है अरीना पे, पर देखते अब. और हाँ एक और, जब लोग बोलते हैं कि सोलो स्क्वाड में किल्स कैसे मिलते हैं, देखो किल्स का एक ही ट्रिक है भाई. तुम जब उतरते, तुम्हें अगर 5-6 किल मिल जाता ना उतरते ही, तो तुम गेम एंड तक इजी 25 प्लस किल्स कर सकते हो. पर इस गेम में मैं अपनी ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में बहुत बुरी तरीके से मर फेल होता हूँ, बहुत बुरी तरीके से. तो मुझे जितना लगता है, अब देख सकते, आगे देखिए आपको बताता हूँ मैं, अभी से बताऊंगा तो ये सस्पेंस बिगड़ जाएगा. चलो अभी यहाँ पे मेरे पास Level 2 वेस्ट, Level 3 हेलमेट, Level 3 बैग, M4 कार्मेंट, एवरीथिंग इज गुड एंड इक्विप्ड. पेकाड़ो को एक ही तरीका, रीना क्लियर करो, बिल्डिंग जाओ, फिर देखो.